जय हिंद। मैं दीपक शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज में। देखिए, मनोहरलाल खट्टर जी जैसे ही मंत्री पद संभाला उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, आप उनके फैसला जानकर खुश होंगे। देखिए, आपको बता दें कि हरियाणा में गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में स्थापित किए जाएंगे वेस्ट टू चारकोल प्लांट, यानी कि जो कूड़ा कचरा है उससे चारकोल बनाने की जो प्लांट है वो लगाया जाएगा। मतलब मनोहरलाल खट्टर ने दिल्ली में इसकी सदस्यता ली, यानी कि एक मीटिंग ली और उसमें अपने ये प्रस्ताव रखा है और इसी वजह से इस योजना को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। देखिए, हरियाणा में जल्दी कचरे से चारकोल बनाने वाले प्लांट लगेंगे जिन्हें ग्रीन कोल प्लांट भी कहा जाता है। इस प्लांट के लिए NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और हरियाणा सरकार के बीच जल्द ही समझौता होने वाला है और उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में प्लांट स्थापित करने के बाद इस पहल का विस्तार हरियाणा के अन्य शहरों में भी किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रयास से यह योजना बढ़ चढ़कर सामने आ रही है। NBVANL के अधिकारी जल्द ही हरित कोयला संयंत्र यानी कि ग्रीन कोल प्लांट स्थापित करने के लिए कुछ स्थलों का दौरा करेंगे। इन संयंत्रों का क्रियान्वित करने के लिए श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें हरियाणा सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। देखिए, आपको बता दें कि ये कूड़े की समस्या सबसे गंभीर होती जा रही है। बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगते जा रहे हैं, इनका निपटान करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है। वाराणसी में ये प्लांट लग चुका है और उनसे बिजली भी उत्पादन होना शुरू हो गया है। देखिए, आपको बता दें कि प्रतिदिन 1200 टन कचरे का निपटान हो पाएगा। केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि नगर निगम NBVANL के साथ मिलकर बंदवाड़ी या गुरुग्राम व मानेसर के आसपास एक इलाकों में एक ग्रीन कोल प्लांट स्थापित करें। उन्होंने कहा कि यह प्लांट प्रतिदिन लगभग 1200 टन ठोस अपशिष्ट का निपटान करने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि 1200 टन के कचरे का निपटान हो पाएगा और उससे बिजली का उत्पादन हो पाएगा, ग्रीन कोल का उत्पादन हो पाएगा। आपको ये स्कीम कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी अभी नए नए मंत्री बने हैं, ऊर्जा मंत्री, तो उन्होंने आते के साथ ये फैसला लिया है, तो आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। आज की खबर यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इसमें। देखते रहिए, हमारे चैनल को देखना ना भूलें। धन्यवाद।